मेरा नाम मनोज भाटिया है। मैं गांव मोदीपुर में खेती कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से मैं खेती कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैंने पोली हाउस लगाया, लेकिन पोली हाउस में जो हमने कमियाँ पेश की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको मार्केट को लेके आई। हमारा प्रोड्यूस जनवरी से पहले कभी मार्केट में आ नहीं पाया। तो उसके बाद हमने प्लान किया कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिले जिसमें हम ट्रांसप्लांटिंग पहले कर पाए, ताकि हमारा प्रोड्यूस जो मेन यहाँ शादियों का सीज़न है उसमें आ जाए। शादियों का कौन सा सीज़न है? शादियों का ये अक्टूबर नवंबर का महीना है, जिसमें मेन मार्केट के रेट भी अच्छे मिलते हैं और आपका प्रोडक्शन भी ठीक आता है, टेम्परेचर भी ठीक होता है। तो अभी पोली हाउस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दी गई, अगस्त से पहले हम ट्रांसप्लांटिंग प्लान ही नहीं कर पाते थे क्यों? गर्मी ड्यू के टू चलते? हाई टेम्परेचर। जी टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता था पोली के इफेक्ट के कारण, और टेम्परेचर राइज करता था। तो अगस्त 15 के बाद ही हम इसमें सोचते थे कि क्रॉप ट्रांसप्लांट करनी है। तो नेट हाउस में हमने 20 जुलाई के आसपास क्रॉप ट्रांसप्लांट कर दी। तो अभी मैं दो दो साल से ग्रीन हाउस में खेती कर रहा था। ग्रीन हाउस में मैं फरवरी से पहले कभी माल बेच नहीं पाया। अभी नेट हाउस में इसमें से मैं 4 लाख की कैप्सिकम बेच चुका हूँ। कितना एरिया है ये अभी 1 एकड़ का एरिया है। और कितना बड़ा प्लांट है ये? कब का है डेट ऑफ प्लांटिंग? ये 15 जुलाई को ट्रांसप्लांट किया था नर्सरी से। जी। और कितना टन अभी तक ऊपर गया? तो अभी 8 साढ़े 8 टन के आसपास मैं माल इसमें से बेच चुका हूँ 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। और एवरेज दाम कितना लगा तो मिला? दाम इसमें मैंने ग्रीन और कलर्ड मिला के बेचा है, जिसमें से 1.25 लाख के आसपास का ग्रीन है और बाकी जो है 1.25 लाख का कलर्ड है, बाकी जो है ग्रीन बेचा है मैंने। और अभी और कितने दिन फसल आपके चलने की उम्मीद है? अभी ये मेन चीज़ है कि पोली हाउस में हम अप्रैल एंड तक लेके चलते थे फसल को। अभी ये वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर, मतलब इसमें वेंटिलेशन भी ज़्यादा है, एरेशन भी ज़्यादा है, तो इसमें हम सोच रहे हैं कि जून तक इसको कैरी कर सकते हैं। तो आपका 12 महीने का फसल इसमें, मतलब कि कोई बिना प्रॉब्लम के निकल सकता। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अभी लास्ट ईयर हमने टमाटर भी किया था नेट हाउस में, उसमें हमको अच्छे रिजल्ट मिले। मतलब 88 टन मैंने हार्वेस्ट किया था 1 एकड़ से टमाटर। और एवरेज क्या रेट मिला आपको मार्केट में? एवरेज 11 रुपये का भाव मुझे अपनी मार्केट में, करनाल मार्केट में मिला था। और उगाने का खर्चा कितना आया? उगाने का 2.5 लाख के आसपास का खर्चा था। तो फिर भी आपको 6-7 लाख रुपए की आमदनी हुई 1 एकड़ से। हाँ ज़्यादा हुई इस हिसाब से तो ज़्यादा हुई। ये एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए आप खुल के बता सकते हैं। नहीं तो अभी मेन चीज़ क्या है कि इस एरिया के लिए, मेरे करनाल वाले एरिया या हरियाणा एरिया के लिए, मेरे को जो लगता है कि ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम मार्केट के हिसाब से अपनी क्रॉप की प्लानिंग कर पाए। अभी सबसे बड़ी वेंटिलेशन की, एरेशन की, हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम जो पोली हाउस में आती है, वो नेट हाउस में हमारे पास, मतलब उन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ एक रेनी सीजन का ड्रॉबैक नेट हाउस में होता है, जी लेकिन उसको हम अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाएं, स्लोप करके रखें शुरू में जब नेट हाउस लगाना है, और आपका पानी साथ के साथ बाहर निकल रहा है, तो आप क्रॉप को अच्छे तरीके से ले सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो बेड की हाइट देख लो, बेड की हाइट प्रॉपर हो और उसके बाद आपका मल्चिंग किया हुआ हो जी और ड्रेनेज आपका प्रॉपर हो, तो आपको पूरे सीजन में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, जिसके कारण कि नेट हाउस और पोली हाउस का, मतलब कि कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेट हाउस में आप टेम्परेचर, एरेशन, सारी चीज़ें में, मतलब कि आपको बेटर मिलती हैं। मगर मेरे ख्याल से बारिश आने से और भी कोई बीमारी तो नहीं होती? बीमारी का असर नहीं, तो नहीं होता? ह्यूमिडिटी का है, लेकिन माइट्स का अटैक आपको पोली हाउस में भी मिलता है, वो यहाँ माइट्स का अटैक नेट हाउस में भी है। तो वो चीज़ें तो जो पोली हाउस की प्रॉब्लम है पेस्ट की, वो ही नेट हाउस की है, जी। कोई अलग नहीं है उससे। मगर ज़्यादा बारिश अगर अंदर आ गई तो उससे कोई नुकसान? नुकसान तो आप ड्रेनेज कर रहे हो ना, प्रॉपर ड्रेनेज है आपका, रूट जोन आपका, मतलब कि इतना ज़्यादा सेचूरेटेड नहीं होता कि आपका प्लांट डैमेज हो। तो उसमें मल्चिंग डालने से आपको फायदा है? मल्चिंग डालने से फ़ायदा है कि आपका रेन का कोई भी वाटर आपके चैनल के थ्रू बाहर निकल रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है। जी। तो जो आप इरिगेशन कर रहे हो तो उसी से, ड्रिप से जो इरिगेशन या फर्टिगेशन जा रहा है उसी का जो है असर है, बाकी कोई इतना प्रॉब्लम और नहीं है। अपने अनुभव से क्या आप कह सकते हैं कि लखनऊ
गुजरात महाराष्ट्र जहाँ भी इस तरह का ड्राई एरिया है वहाँ पे पॉली हाउस के बजाय नेट हाउस की खेती होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो जहाँ अपने समर ज़्यादा हैं जी, मतलब समर का एरिया ज़्यादा है, जहाँ समर का पीरियड ज़्यादा है तो वहाँ नेट हाउस की खेती ही वायबल है। मतलब कि अपने साल में अभी 15 दिसंबर से 15 जनवरी जो विंटर का सीज़न है अपने हमारे एरिया में, अगर मतलब कि वहाँ अगर टेम्परेचर गुजरात में अगर 10 डिग्री तो मिनिमम मेरे ख्याल से टेम्परेचर जाता तो वहाँ तो ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो नेट हाउस टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर है पॉली हाउस से। और बाकी किसान भाइयों के लिए आपका कोई संदेश? बाकी किसान भाइयों से को यही संदेश है कि अपनी फसल को अच्छी तरह समझो पहले, उसके मार्केट का प्लान करो, मार्केट अगर आपके समझ में आ गई उसके हिसाब से आपका प्रोड्यूस आया तो इस जैसा पैसा किसी भी धंधे में नहीं है। ये धंधा सबसे बढ़िया धंधा है, इसको करने का बस। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है डॉक्टर साहब? मैं PhD की है वेजिटेबल साइंसेज, वेजिटेबल साइंसेज में। और इसके पहले भी ये पॉली हाउस और नेट हाउस करने के पहले भी आपने खेती में काफ़ी हाथ आजमाए हुए हैं? पॉली हाउस नेट हाउस करने से पहले मैंने ओपन में 3.5 एकड़ से शुरू में ड्रिप लगा के फार्मिंग शुरू करी थी, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपेंड किया। आज के टाइम में मेरे पास 32 एकड़ ओपन फील्ड फार्मिंग का है और ये 3 एकड़ प्रोटेक्टेड का है। तो आप 32 एकड़ के तुलना में जब 3 एकड़ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हो तो आपकी आमदनी में कितना फ़र्क है? एक रेशियो अगर अनुपात आप बताना चाहेंगे किसान भाइयों के फ़ायदे के लिए कि खुले में कितना आपको फ़ायदा होता है और उसके तुलना में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कितना फ़ायदा होता है, आमदनी होती है? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आमदनी एंडलेस है अगर आप जितना जल्दी एक्सपीरियंस करते हो इस चीज़ का। मतलब इसका पोटेंशियल आप 20 लाख रुपए तक का मान सकते हो कि 20 लाख रुपए अगर अच्छे रेट आपको मिलते हैं, मार्केट के हिसाब से आपका प्रोड्यूस आता है, आपका जो फसल आपकी ऑप्टिमम कंडीशन में चल रही है वो मिलती है, तो 20 लाख की फिगर कोई ज़्यादा बड़ी फिगर नहीं है। और ओपन के कंपैरिजन करें तो ओपन में भी हम आज के टाइम में हमारा रोटेशन जो है 4 से 4.5 लाख रुपये का फिगर है ओपन फील्ड फार्मिंग का, जिसमें मल्चिंग हम यूज़ करते हैं, ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, सारी चीज़ है। तो आपका ये कहना है कि नेट हाउस के अंदर आप लगभग अपनी आमदनी एवरेज दुगुना तो कर ही सकते हैं? दुगुना तिगुना कर सकते हो आप, तिगुना कर सकते हैं। और ये नेट हाउस के स्ट्रक्चर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नेट हाउस का स्ट्रक्चर का मेरा जो रिकमेंडेशन है या सजेशन है, इसका अगर थोड़ा हाइट और इंक्रीज की जाए, वेंटिलेशन और इसका प्रॉपर हो, जो ऊपर शेड नेट है अभी तो शेड नेट है, अभी डिपार्टमेंट ने किया है इसमें इंसेक्ट प्रूफ नेट का कंपल्शन, लेकिन अगर यही शेड नेट अगर थोड़े हाइट पे चला जाए तो आपको थोड़ा और पेस्ट फ्री एनवायरनमेंट मिल सकता है। अच्छा, कितनी ऊंचाई आप और ज़्यादा चाहेंगे? 1 मीटर अगर एक्सटेंड की जाए तो वो सफिशिएंट। 1 मीटर और एक्सटेंड करना चाहेंगे, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। 1 मीटर और ऊपर